एमबीबीएससी 2019 के संदर्भ में हाल ही में एक रिज़ल्ट आया हुआ है जो कि जिस जो हाई कोर्ट में एक याचिका लगी हुई थी, लगभग 60 लोगों ने ये याचिका लगाई थी और इसका आज रिज़ल्ट आ गया है और इसमें बताया गया है कि एमबीबीएससी 2019 के प्री और मेंस के परिणाम जो है निरस्त होंगे। तो निरस्त से यहाँ मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे लोगों को दोबारा से प्री कराया जाएगा या मेंस कराया जाएगा। यहाँ पर जो बोला गया है कि जो नियम बने थे वो नए नियम बना दिए हैं और पुराने नियम से बनाना है रिज़ल्ट उनको, तो वो ये कर सकते हैं कि प्री का जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज़ कर दें, दोबारा से एग्ज़ाम कोई नहीं होगा। प्री में कुछ कैंडिडेट को बाहर कर सकते हैं, कुछ कैंडिडेट को इन कर सकते हैं। एक कंडीशन ये बन सकती है कि कुछ लोगों को मेंस दिलवा दें और एक कंडीशन ये बन सकती है कि सभी लोगों का मेंस दोबारा से हो। तो ये दो कंडीशन बन सकती हैं, बाकी आयोग के ऊपर निर्भर है कि आयोग अब क्या डिसीज़न लेता है। पीएससी 2000 इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। पीएससी 2019 की परीक्षा के परिणाम को हाईकोर्ट ने निरस्त किया है। मामला संशोधित नियम 17 फरवरी 2020 से जुड़ा है जिसमें हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। इसमें एसडीएम डीएसपी जैसे प्रमुख पद थे, लगभग 500 प्लस पद थे। हाईकोर्ट ने एमबीपीएससी 2019 को लेकर एक साथ 58 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। उस समय भी बहुत आनन फानन में एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर पाए थे क्योंकि एंड टाइम तक ये पता था कि एग्ज़ाम नहीं होगा। वही लोग जो कोचिंग में थे और उस समय कोचिंग में तैयारी कंटिन्यू कर रहे थे वही लोग एग्ज़ाम दे पाए हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को यही था कि क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में एग्ज़ाम हुआ था। हाईकोर्ट ने 31 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज 89 पेज का विस्तृत आदेश जारी किया है जिसमें 2019 की परीक्षा के मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों को निरस्त करने की बात कही है। इसी के साथ पुराने नियमों के अनुसार फिर से पुराने नियमों के अनुसार होगा तो रिजल्ट फिर से बनेगा, प्री का भी बनेगा जब रिजल्ट फिर से, तो बहुत सारे लोग आउट होंगे, बहुत सारे लोग इन होंगे। तो ये एक दोनों कंडीशन बन सकती है कि दोबारा से पूरा का पूरा मेंस कराया जाए या कुछ लोगों को इन किया है उनका दोबारा से मेंस किया जाए। आरक्षण के नियमों को लेकर चुनौती दी गई है एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट को। हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह के आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 के तहत ये दिया गया है। 31 मार्च को अंतिम सुनवाई पूरी होगी। मैं लास्ट में बताती हूँ कि आपको क्या करना है और आप क्या हो सकता है, क्या स्थिति बन सकती है आगे के मेंस और प्रीलिम्स के लिए। एमपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा रिजल्ट को एक आरोप था कि विवादित नियम के तहत जारी किए गए थे। इसमें क्या है कि जो प्रतिभावान छात्र हैं वो उसमें शामिल नहीं हो सके, ये पूरा का पूरा रोस्टर को लेके है। इसी की याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो अब देखिए क्या हो सकता है कि जो एमपीपीएससी का 2019 का एग्ज़ाम है, इनकेस या तो पूरा का पूरा मेंस दोबारा होगा, सभी लोगों को दोबारा बैठने का मौका मिलेगा या कुछ लोगों को अंदर होगा। एमपीपीएससी जो 2020 का है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही 1% चांसेस हैं कि वो एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है। बाकी प्रीलिम्स जो है 19 जून मतलब 19 जून को ही है, तो आप लोग अपनी प्री प्लस मेंस की तैयारी जारी रखिए। अभी 2019 को दरकिनार रख दिए, सोचिए कि 2019 हुआ ही नहीं था, जो भी फैसला आएगा उसको स्वीकार कीजिए और यहाँ पर ये सोचिए कि अभी हमको नेक्स्ट पर टारगेट करना है, क्योंकि हमारा कर्म है कर्म करना, हम केवल वही कर सकते हैं। हम यहाँ के बीच फंस के नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमें को अगर एक अधिकारी की सीट लेना है तो आपसे यही कहूँगी कि प्री की तैयारी करिए। मे भी दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती हैं और जो भी शाम तक और भी जानकारी इकट्ठी होती है उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या दोबारा पूरा मेंस होगा, क्या दोबारा प्रीलिम्स का पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।